नमस्ते व्यूअर्स वेलकम टू जयपुर डायलॉग यूएसए और आज हम आज फिर हम वही कहेंगे जो हमेशा शुरू में कहते हैं प्लीज लाइक सब्सक्राइब सपोर्ट आवर चैनल कंटिन्यू टू गिव बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग और इस इशू को डिस्कस करने के लिए मेरे पास आज जुड़ी हैं सुमेधा ओझा जी डॉक्टर सुमेधा ओझा शी हे बीन अर्लीअर ऑन यूनाइटेड नेशन में काम कर चुकी हैं सुमेधा जी आपका स्वागत है पहली बार जयपुर डालॉग यूएसए में और हम सोचेंगे और हम आशा करेंगे कि आप और दोबारा फिर आएंगी अब क्योंकि एक चर्चा से बात खत्म नहीं हो पाई तो सुमेधा जी इज अ वेरी रिप्यूटेड पॉडकास्ट शी हैज डन मेनी ऑफ देम एंड शी इज अ रिमार्केबल रिसर्च स्कॉलर So, सुमिधा जी आपका स्वागत है फिर से एक बार और आज ये सु, सुमिधा जी सोशियोलॉजिस्ट हैं और इनके हर चीज के देखने का नजरअंदाज जो होता है फ्रॉम सोशियोलॉजिकल एंगल होता है तो आज का जो सब्जेक्ट हमने रखा है उसमें दो चीजों की चर्चा होगी हम उसे कह रहे हैं सोशियोलॉजी ऑफ वोकिज्म आप इस बात से बिल्कुल परिचित होंगे वो शब्द से आप बहुत परिचित होंगे सब लोग ये वोकिज्म है क्या क्या चीज होती है कहाँ से आई सोशियोलॉजी का जो एक एंगल होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है तो सुमितरा जी और दूसरी चर्चा जो करेंगे वो होगी बाद में दैट विल बी द मिसकंसेप्शंस अबाउट वुमेन इन हिंदू ट्रेडिशन इस पे मेरे अपने विचार भी हैं और इस पे थोड़े सा हम बातचीत चर्चा इस पे भी करेंगे तो सुमितरा जी शुरू करवंत एक्चुअली लेके हरि का नाम और बताइए आपके मन में क्या है व्हाट व्हाट रिसर्च आपने किया है Ahead. बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने का मुझे बहुत खुशी है और सभी सुनने वालों से जुड़ने के लिए आपसे जुड़ने के लिए ये एक बहुत अच्छा मौका है बहुत बहुत धन्यवाद तो ये जो आपने अभी कहा सोशियोलॉजी ऑफ वोकिज्म ये आपने बहुत ही एक सही टर्मिनोलॉजी निकाली है शायद बिल्कुल नई है ये बिल्कुल नई है क्योंकि सोशियोलॉजी एक तरह से एक बहुत ही आ, एक गड्ढे में गिर गई है और उसी गड्ढे में रहती है और वो गड्ढा है यूरोसेंट्रिज्म का वो गड्ढा है वो का शायद अब समय आ गया है कि उसको उस गड्ढे में से निकाल कर सारी चारों तरफ दिखाया जाए कि इसकी सच्चाई क्या है तो मैं क्यों ये कहती हूँ आपने इस इस बात को इसलिए कहा क्योंकि मैं एक कोर्स पढ़ाने जा रही हूं जिसका नाम अंग्रेजी में पढ़ा रही हूँ तो जिसका नाम है यूनिवर्सल सोशियोलॉजी ये यूनिवर्सल सोशियोलॉजी वो है जो कि हमेशा सच हो आज जो बहुत सारी चीजें हम पढ़ते और समझते हैं और मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी कि जो सोशियोलॉजी में पढ़ते और समझते हैं वो क्यों इतना महत्वपूर्ण है वो सारा यूरोप के लोगों की आंखों से है अब ये बताऊं मैं कि क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की जो बहुत ही जो हॉट टॉपिक्स है जो सारे शब्द हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं वो सारे कहीं ना कहीं इसी विषय से इसी विषय के जड़ से बाहर निकल कर आए हैं या आप देख लीजिए आज जेंडर इक्विटी सोशल जस्टिस क्रिटिकल रेस थ्योरी प्रिविलेज ये सारी चीजें जो है ये आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत महत्वपूर्ण है और इनको लेकर पॉलिटिक्स uh, भी होती है इनको लेकर पॉलिसीज भी बनते हैं पर इनकी सच्चाई क्या है ये कहाँ से आए हैं इस कोर्स में मैं ये करना चाहती हूँ और आपने जो इसको नाम दिया है इसको मैं भी अडॉप्ट करने वाली हूँ विभूति जी ये सोशियोलॉजी ऑफ वोकिज्म एक एक बहुत अच्छा ही नाम आपने दिया है तो इस तरह के आप आपको जो भी अच्छा लगे या मैं क्रिटिकल रेस थ्योरी को किस तरह से अप्लाई किया जा रहा है वो डिस्कस कर सकती हूँ या सेक्युलरिज्म कहाँ से आया या ये सारे जो सोशल uh, जस्टिस के आइडियाज हैं ये सारे जो मार्क्सिस्ट uh, आइडियाज हैं इंडिया में ये कहाँ से आए इनका जड़ क्या है और इनको जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें गलती क्या होती है गलती होती है समझने की हम अपने आप को हम अपने देश को अपने समाज को इन चीजों से इन शब्दों से समझ ही नहीं पाते हैं और एक डिस्टोटेड लेंस एक गलत आइडिया हो जाता है जिससे समाज पॉलिटिक्स सोसाइटी पॉलिसी सब पर एक असर होता है बहुत अच्छी बात कही आपने इसमें एक और चीज ऐड करना पड़ेगा इंटरसेक्शनैलिटी वो भी अपने यू नो वातावरण में आ गया है यू you नो know? तो आप जहां भी चाहें मैं तो ये चाहूंगा कि इस बात को आप कहें आपने जो कहा ना कि जड़ से किसी भी समस्या का अगर समाधान करना हो तो पेड़ की

कहीं आप शुरू करें आप शुरू करें, आप करें आपका जो कोर्स है इसके बारे में बता दीजिए कि ये जो है, uh, it, ये एक भारत विज्ञान uh, एक संस्था है इट uh, इसका एम एंड ऑब्जेक्टिव है अंडर ग्रेजुएट को uh, सिखाना जो सोशोलॉजी नहीं पढ़ रहे हो पर इससे बड़ा मेरा मैं ये चाहती हूं कि सभी लोगों को इन सारे टर्म्स का अर्थ इन सारे टर्म्स की जड़ समझ आ जाए ताकि वो एक बहुत अच्छे तरह से तर्क कर पाए अगर कोई किसी कोई आपको कहता है ब्राह्मण प्रिविलेज या कोई आपको कहता है इंडिया में जेंडर इक्विटी नहीं है तो ये तो समझना पड़ेगा ना कि ये ब्राह्मण प्रिविलेज कहां से आता है जेंडर इक्विटी शब्द का क्या मतलब है इंटरसेक्शनैलिटी का और क्रिटिकल रेस थ्योरी का जो एप्लीकेशन होता है भारत में वो क्यों होता है sure. आजकल पिछले पांच दस पांच सात सालों में तो ये बहुत ही एक तेज रफ्तार पकड़ ली है इसने तो क्रिटिकल रेस थ्योरी तो एक दिस इज इसका एक अमेरिकन जड़ है इसका मूल अमेरिका के इतिहास में है इसका मूल हमारे इतिहास या हमारे समाज में नहीं है अमेरिका में स्लेवरी की एक जो आ, हिस्ट्री है जो इतिहास है वहीं से कुछ बुद्धिजीवियों ने और वो भी अमेरिका में भी इसके बारे में बिल्कुल सब लोगों ने हामी नहीं भरी है बहुत सारे लोग इसको नहीं मानते हैं कुछ लोग मानते हैं कि इसके कारण ऐसी आ, सोशल और लीगल इंस्टीट्यूशंस बन गए हैं जिसमें केवल जो सफेद लोग हैं उनकी ही हमेशा महत्ता बनी रहती है और बाकी सारे लोग उनके नीचे रहते हैं तो इसको कहते हैं वाइट प्रिविलेज। इंटरसेक्शनैलिटी का मतलब है कि सोशल कल्चरल लीगल सारी जो चीजें जेंडर ये सारी चीजें एक साथ आकर मिल जाती हैं और इनके इंटरसेक्शन से जो आपका पोजीशन होता है वो डिसाइड होता है और इन सब में सबसे ऊपर रहते हैं सफेद और बाकी सब उनके नीचे नीचे धीरे धीरे आते रहते हैं सोसाइटी ने अपने सारे लॉज वगैरह भी ऐसे बनाए हैं कि जिसको तो ये वाइट प्रिविलेज कहते हैं ये हमेशा बना रहे ये हमेशा चालू रहे अब रही भारत की बात ये तो अमेरिका में ये एक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हो गया है और विभूति जी अगर आप समय देंगे तो मैं थोड़ा बहुत ये भी बात करना चाहूंगी कि अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में आजकल इस विषय सोशियोलॉजी को किस तरह से देखा जा रहा है सोशियोलॉजी एक तरह से वोक लोगों की सबसे ज्यादा तेज धार वाली तलवार बन गई है और इस तेज धार वाली तलवार से बाकी जो है जो इन तरह की बातों से हामी नहीं भरते हैं इतफाक नहीं रखते हैं कुछ लोगों ने सोशियोलॉजी नामक सब्जेक्ट को अपने करिकुलम से हटाने की भी बात की भी। तो ये सोशियोलॉजी एक तलवार है वोकिज्म के लिए एक तलवार है तो इस वोकिज्म की तलवार को समझने के लिए और इसकी वार को रोकने के लिए उसको हमारे पास हमें एक और तलवार बनानी पड़ेगी और इसके लिए हमें वो को समझना पड़ेगा तो मैं आपसे कह रही थी वाइट प्रिविलेज के बारे में कि इन लोगों का सोचना है कि पूरे देश में अमेरिका में ऐसे सोशल लीगल कल्चरल बनाए हुए हैं सिस्टम्स कि केवल व्हाइट लोगों को ही हर तरह की बातों में प्रिविलेज है और वो चाहे या ना चाहे जो बेस्ट मीनिंग वाइट पर्सन है वो भी व्हाइट हो होने के कारण ही उसका व्हाइट प्रिविलेज है अगर वो इक्वालिटी में बिलीव करता है तो भी अगर नहीं करता है तो भी अब इसका भारत से क्या मतलब है मुझे क्या इसमें रुचि है भारतीय होते हुए क्योंकि मैं तो अमरीकी नहीं हूं मैं तो भारतीय हूँ लेकिन भारत और अमरीका में एक तो बहुत ही संबंध बहुत बहुत क्लोज है और बहुत सारी चीजें खासकर हमारे कॉलेजेस में अमेरिकन अकेडीमिया से धीरे धीरे होकर हमारे पास आती है ओरिजिनल काम करने का भारतीय अकेडीमिया भारतीय बुद्धिजीवियों में कोई दम नहीं तो वो कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करते रहते हैं तो उन्होंने व्हाइट प्रिविलेज को कॉपी किया है कैसे अब ये कहते हैं कि इसको आप कास्ट सिस्टम के थ्रू देखिए कास्ट सिस्टम में जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र हैं उसमें ब्राह्मण सबसे ऊपर है इसलिए जैसे कि व्हाइट प्रिविलेज होता है वैसे ही यहाँ ब्राह्मण प्रिविलेज है तो आप ये देखेंगे कि जो इंडियन डिस्कोर्स है उसमें ब्राह्मण प्रिविलेज उसमें एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द अंडर क्लासेस को उसी मॉडल में देखा जाता है जैसे कि स्लेवरी में व्हाइट ने ब्लैक्स को एक्सप्लॉय किया था अब मुझे आप लोगों को एक्चुअली ये बताने की जरूरत नहीं होगी कि जो आ, हा सिचुएशन वाइट्स और ब्लैक्स का वो सिचुएशन कभी भी हमारे यहाँ नहीं रहा है कभी भी ऐसा वर्ण जाति का सिस्टम रहा ही नहीं है कि एक बिल्कुल ऊपर बैठकर बाकी सारे लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे जहां तक सोशल लीगल कल्चरल एजुकेशनल सिस्टम्स का आ, सवाल है आज के दिन में सारे लॉज एक्चुअली अगेंस्ट द ब्राह्मंस हैं अगेंस्ट द हिंदूस हैं तो इन इस इंटरसेक्शनैलिटी या इस क्रिटिकल रेस थ्योरी का एप्लीकेशन करना ब्राह्मण को व्हाइट समझकर मेरे हिसाब से इससे ज्यादा गलत बात हो ही नहीं सकती है और इन्हीं तरह की चीजों में मैं गहराई में जाने वाली हूं जिस कोर्स की आप बात कर रहे हैं मैं अभी तो एक छोटा सा आपको उदाहरण दिया है और एक सतही बात कही है इन्हीं चीजों को मैं और गहराई में डिस्कस करने वाली इस कोर्स में ये क्रिटिकल रेस थ्योरी खासकर क्योंकि आजकल मैं देखती हूं कि ये ब्राह्मण प्रिविलेज ये एक टर्म हो गया है जो बहुत ही ज्यादा आराम से सभी लोग इस्तेमाल करते हैं और ऐसा इस्तेमाल करते हैं जैसे कि ये हमारे समाज पर लागू है पर ये हमारे समाज पर लागू नहीं है क्योंकि हमारे सोशल लीगल सिस्टम्स भी इसके साथ नहीं है हमारे यहाँ शेड्यूल्ड कास्ट अट्रोसिटीज एक्ट है हमारे यहाँ रेजर्वेशन है जो कि सारे प्रो अदर कास्ट है एंड नॉट not... तो ये एक एग्जाम्पल है और भी बहुत सारे हैं पर आप जैसा बताएंगे वैसे ही हम आगे बढ़ेंगे नहीं 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 आप देखिए ये शो एक्चुअली आपका है मैं चाहता हूं कि आप जैसे आपने इंटरसेक्शनलिटी कास्ट और इसका बताया कि रेलेवेंस जो बताया बहुत बढ़िया से बताया कि जो इंपोर्ट कर रहे हैं आपने चर्चा की थी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की हम कॉपी पेस्ट करके हमारे सारे के सारे जो लिबरल आर्ट्स के जो चल रहे हैं वो तो अमेरिकन सीखे जा रहे हैं वहां पे मुझे याद आ रहा है कि जब मैं बम्बे में था और अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन के सीई ओ आए थे इनाग्रेट इनौ, इनौ, कर रहे थे अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन की बॉम्बे चैप्टर को उन दिनों उन्होंने यही कहा था कि भारत को अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन नहीं चाहिए भारत को अपना इथस बनाना पड़ेगा लेकिन हम बिल्कुल भूल गए उनकी उनके ही सलाह को हम भूल गए क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमारा मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो तो अमेरिकन सोशो कल्चरल इकोनॉमिक सिचुएशन के आधार पे बना है आप उसको अपने हाँ इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं लेकिन हमने सारा कर लिया हम वही किताबें पढ़ रहे हैं सारे की सारी और अपना इतिहास हम भूल गए अपना अध्ययन हम भूल गए तो मैं आपसे सुमित्रा जी एक और बात पूछना चाहूंगा इसी में कि करते करते कि ये जो सेकुलरिज्म के बारे में आप चर्चा करें क्योंकि वो बड़ा बहुत ही बड़ा शब्द है

यूएस में और वेस्ट में जो हिंदू जो इंडियन वोक है मैं उसको वोकिस्तानी कहता हूँ <laughs> एक नया शब्द मैंने ढूंढा उसको मैंने कहा कि वो लोग वोकिस्तानी हो गए <laughs> चर्चा करें आप सेक्युलरिज्म के बारे में इसका रूट कहाँ से आया और क्यों भारत हाँ। पे ये थोपा गया और इसका प्रत्युत्तर हाँ। कैसे दिया तो हाँ इसका इसका प्रत्युत्तर भी मेरे पास इस पर मैंने बहुत अध्ययन किया है तो ये एक बहुत मेरे दिल के करीब है ये विषय और इस पर मैंने दोनों तरह से बहुत अध्ययन किया है सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है कहाँ से आता है क्यों आता है और हमें क्या इसे बिल्कुल ही अपना लेना चाहिए अगर नहीं अपनाना चाहिए तो हमारे पास हमारा हमारा भारतीय जवाब क्या है हमारा भारतीय सिस्टम क्या होगा जो इस सेक्युलरिज्म से बेहतर होगा ये भी तो एक जरूरी है कहना तो फिर विभूति जी मैं ये कहना चाहूंगी कि सेक्युलरिज्म एक यूरोपियन हिस्ट्री में रूटेड कॉन्सेप्ट है और ये यूरोपियन हिस्ट्री में इसलिए रूटेड है क्योंकि आप सोचें कि जब से सेकेंड सेंचुरी एडी में कॉन्स्टेंटीन जो रोमन एम्पर था उसने क्रिश्चियनिटी को अपनाया फिर उसने क्रिश्चियनिटी को पूरे रोमन एम्पायर में यानी कि पूरे यूरोप में फैलाया फिर यूरोप जो है वो एक क्रिश्चियन जगह बन गई थोड़ा सा जब इस्लाम के आने के बाद दोनों में लड़ाई हुई क्रूसेड्स हुए उसके बाद भी यूरोप जो है वो विजेता बना अ, मतलब क्रिश्चियनिटी जो है वो विजेता बनी यूरोप में इसलिए यूरोप एक क्रिश्चियन कैथोलिक एरिया के रूप में उभर कर आया इसका क्या मतलब हुआ कि जो क्रिश्चियन कैथोलिक चर्च जो पोप थे उनके पास बहुत सारे पावर्स थे बहुत सारी शक्ति थी उनके और जो राजा महाराजा थे यूरोप के अलग अलग देशों के उनमें बहुत लड़ाई होती थी क्योंकि उनके पावर्स क्लैश करते थे कौन ज्यादा शक्तिशाली है पोप यानी कि चर्च या राजा महाराजा जो एक सेक्युलर और अर्थली पावर थे पोप और चर्च तो खैर आसमानी भगवानी पावर थे और ये थे सारे अर्थली पावर तो इन दोनों में चर्च जो है वो पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा अड़ंगा लगाता था और जो राजा महाराजा थे वो भी चाहते थे कि वो चर्च के लोगों को कंट्रोल करें तो इस लड़ाई को किसी तरह से एक समाधान देने के लिए इन्होंने डिसाइड किया कि सेक्रेड और सेक्युलर को डिवाइड कर दिया जाए सेक्रेड रहेगा चर्च के पास सेक्युलर रहेगा राजे महाराजाओं के पास ये समझ लीजिए आपकी चौदहवीं पंद्रहवीं सेंचुरी में हुआ और जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफ़ेलिया थी सेंचुरी की वो भी इसी एक प्रोसेस का पार्ट है और एक उनको दे रीच द इट्स कॉल्ड द कॉन्कोडर्ट ऑफ वर्म्स विच इज अ वेरी स्ट्रेंज नेम बट यहां उन्होंने एक समाधान पाया कि चर्च के ये पावर्स होंगे और स्टेट के ये पावर्स होंगे और स्टेट जो है वो सेक्युलर पावर्स का गढ़ होगा जो चर्च की सेक्रेट पावर्स है वो हमारे पास यानी कि राज्य महाराज के पास नहीं होंगे तो ये है जड़ सेक्युलरिज्म की किस रास्ते से घूमते घामते ये पहुंच गया है स्टेट पॉलिसी में और ये पहुंच गया है भारत के कंधों पर वो भी बताती सोलहवीं सत्रहवीं सदी में बहुत ज्यादा और इस बात पर डिस्कशन होने लगा यूरोप में तो बहुत और डिस्कशन होने लगा कि आ, क्या होना चाहिए स्टेट का रोल स्टेट को कैसा होना चाहिए वगैरह तो तब जो वहां के कुछ फिलोसोफर्स थे उन्होंने ये सेक्युलरिज्म को इस तरह से समझने की कोशिश की कि ये आ, स्टेट का जो कोई रिलीजन नहीं होना चाहिए और कोई रिलीजन से इनका क्या मतलब है ये सारे देश मल्टी एथनिक मल्टी रिलीजियस बिल्कुल नहीं है इनका रिलीजन क्रिश्चियनिटी ही रहा है और किसी रिलीजन को कभी इन्होंने कोई जगह दी नहीं है तो इसलिए ये चाहते थे कि रिलीजन को अलग कर दिया जाए और वो जो हमारा स्टेट का जो सेक्युलर पार है वो हमारे पास रहे आप याद रखिए कि जो कैथोलिक चर्च था और जो प्रोटेस्टेंट स्टेब्लिशमेंट था बहुत ही शक्तिशाली था और घड़ी घड़ी वो बिल्कुल अड़ंगा लगाता था स्टेट के काम में और उनके बहुत सारे रूल्स थे आपको वो भी याद ही होगा कैथोलिक चर्च साइंस और मैथमेटिक्स और डेवलपमेंट के बिल्कुल अगेंस्ट था तो बहुत सारी इस तरह की चीजें थी जो बहुत बड़ी इरिटेंट थी इसलिए वो अपने आप को चाहते थे कि वो सेक्युलर बनाए तो ये तो रही सेक्युलर होने की ये यूरोसेंट्रिक रूट है सेक्युलरिज्म का अब आप पूछ सकते हैं जायज है पूछना कि इसका हमसे क्या मतलब है भारत देश से क्या मतलब है क्योंकि हम तो काम करते हैं चार पुरुषार्थ के साथ धर्म अर्थ काम मोक्ष और ये हमारा इंडिक फिलोसफी का बिल्कुल एक आ, सबसे इंपॉर्टेंट टेनेट है इन सब में इक्विलिब्रियम रहना चाहिए चाहे आप कोई भी पॉलिटिकल ट्रीटीज पढ़िए आप महाभारत पढ़िए अर्थशास्त्र पढ़िए रामायण पढ़िए सब में धर्म अर्थ काम मोक्ष और इन सब में एक समता तो हमारे पास ये नहीं है कि कोई एक एस्टेब्लिशमेंट था जिसने राजे महाराजाओं का पावर ले लिया ऐसा बिल्कुल नहीं था जो राजा था उसको धर्म के पथ पर चलना था और धर्म के पथ पर चलने के लिए उसकी ट्रेनिंग होती थी उसकी अपनी अंदरूनी उसके अंदर का विवेक था उसके पास एक पुरोहित भी होता था लेकिन वो पुरोहित को आप पोप से ना कंफ्यूज करें वो केवल एक धर्म का मार्ग दिखाने के लिए था तो ये जो हमारे पास धर्म अर्थ काम मोक्ष से चलने वाला समाज और चलने वाला राज्य था इसको हमने किस तरह से कंफ्यूज कर लिया इससे कि जो रिलीजन है उसका स्टेट में उसका पॉलिटिक्स में कोई रोल ही नहीं होना चाहिए ये हमारे देश की फिलोसफी नहीं है क्योंकि हमारे हमारा ये कहना है कि हर कुछ धार्मिक होना चाहिए वैदिक सोसाइटी जो है वो धर्म पे चलती है और धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता है धर्म का मतलब होता है एथिक्स समझ लीजिए कॉस्मिक रूल ऑफ लॉ समझ लीजिए ये होता है तो हमने कुछ एक आप ये समझ रहे हैं कि हम एक स्क्वायर एक सर्कल को फिट करना चाह रहे हैं वो सारी जो चीजें हैं जो हमारे समाज की है ही नहीं जिसमें हमारे समाज की ऐसी कोई समझ नहीं है उसको हम फिट करना चाह रहे हैं तो आप कह सकते हैं या कोई भी कह सकता है कि नहीं नहीं आप ये ठीक नहीं कह रही हैं आप ये सब हिंदू धर्म की तरफ से कह रही हैं या जो जिनको इंडिक धर्म कहे जाते हैं उनकी तरफ से कह रही हैं जो दूसरे धर्म है इस्लाम है या जुडाइजम है या क्रिश्चियनिटी है उनका क्या होगा लेकिन आपको या हमको ये समझना होगा ना धर्म ये पंथ और संप्रदाय से इसका मतलब नहीं है आप इस्लाम से हो क्रिश्चियन हो हिंदू हो धर्म सबके लिए एप्लीकेबल है धर्म एक कॉस्मिक रूल है ये इस धर्म से जब वो राज्य चलता है तो वो सर्वधर्म संभाव जिसको आज हम ऐसा इस इन शब्दों में कहते हैं वो ऑटोमेटिक है क्योंकि धर्म जो है वो पंथ संप्रदाय से उसका कोई मतलब है ही नहीं तो इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि हमारा जो जवाब होना चाहिए फॉर सेक्युलरिज्म जिसके जड़ है यूरोप और क्रिश्चियन पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट में हमारा जवाब है धार्मिक रूल और ये धार्मिक रूल कहां से आएगा हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है राम राज्य और ये राम राज्य जो है वो ही हमारे पॉलिटिकल रूल की चरम सीमा है जिसमें धर्म अर्थ काम, मोक्ष है जिसमें जो रूलर है वो हर एक 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 इंसान का ख्याल रखता है और इस पर तो खैर मैं बहुत चर्चा कर सकती हूँ क्योंकि ये मेरा एक शोध का विषय है और मैं अर्थशास्त्र पर शोध करके राम राज्य के ऊपर बहुत कुछ लिखी हूं मैं मैं बस ये कहना चाहूंगी कि अगर आप अर्थशास्त्र को देखे जो हमारे राजनीति शास्त्र का एक मैनुअल uh, है ये समझ लीजिए पुराना भी है और आगे का भी है वो एक एक मैनुअल है उस मैनुअल में इस तरह के राम राज्य का जो ब्लू प्रिंट है वो पूरा दिया हुआ है उसमें कहीं भी पंथ और संप्रदाय के नाम पर आ, किसी के साथ कुछ बुरा करना ये सारी चीजें नहीं है उसमें हर इंसान को समता से देखा जाता है उसमें जो रूलर है जो राजा है उसका काम है केवल प्रजा का ध्यान देना तो ये जो हमारे राम राज्य का कॉन्सेप्ट है इसको हिंदू धर्म या भगवान राम केवल भगवान राम से नहीं मिक्स करना चाहिए भगवान राम राम के समय राज्य था लेकिन राम राज्य एक कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे देश में श्री राम से बहुत पहले और श्री राम के बहुत बाद तक भी चलता आ रहा है युधिष्ठिर को भी राम राज्य करने को कहा गया था महाभारत में जीतने के बाद और श्री राम के पहले सोलह राजा और ऐसे आए हैं जिन्होंने राम राज्य एस्टैब्लिश किया है तो ये है हमारे देश की आइडियल पॉलिटी की कल्पना जिसमें सेक्युलरिज्म से हम आखिर क्यों चाहते हैं इसलिए कि किसी के अगेंस्ट कुछ हम एक्सप्लोइटेशन ना करें उनको नीचा ना दिखाएं जजिया ना लगाएं इस तरह की चीजें ना हो इस तरह की चीजें ना होने के लिए सबको समता से और सबको कंपैशन से देखने के लिए हमारे पास ये अपना मॉडल राम राज्य का है ना तो हमें की जरूरत नहीं है हमें राम राज्य की जरूरत है आपने बहुत अच्छी बात बताई और इसलिए कहा मुझे बहुत खुशी है सुनकर के आपने ये शोध किया है और आपने जिस तरह से चर्चा की है लेकिन हम इक्कीसवीं सदी में हैं इक्कीसवीं सदी में है श्री राम की स्थापना राम लल्ला की स्थापना फिर हो गई है बहुत बड़ी चीज है हम सबों को बहुत प्रसन्न होना चाहिए और आपका जो वर्णन जो आपने किया कि राम राज्य का जो कॉन्सेप्ट किया ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा इक्कीसवीं सदी के बच्चों को पता नहीं होगा कि राम राज्य इज ए कॉन्सेप्ट इज नॉट नॉट नेसेसरली रिलेटेड टू राम एंड इट इज रिलेटेड टू राम ओनली बिकॉज राम एपिटोमाइज्ड ऑल द वैल्यूज यस जिसके लिए तो वो यहां आपने बहुत अच्छी बात कही विभूति जी मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी तो हमारे जो हमारा जो ट्रेडिशनल uh, लिटरेचर है उसमें एक श्लोक है जिसमें षोडश राजाओं के नाम है 16 राजाओं के नाम है और जहां-जहां भी राम राज्य के बारे में चर्चा होती है इन षोडश राजाओं का नाम हमेशा आता है और इन सब कि राज्य में क्या क्या हुआ था उसका एक छोटा छोटा डिस्क्रिप्शन मिलता है और जो आपने बात कही खुद ब खुद वो इस श्लोक में भी और इन बातों में भी कही गई कि हम इसे राम राज्य क्यों कहते हैं इसीलिए कहते हैं क्योंकि श्री राम इन सारे कॉन्सेप्ट्स को सबसे अच्छा एपिटोमाइज करते थे लेकिन वो अकेले नहीं थे उनके पहले सोलह राजा थे और उनके बाद बहुत से राजा हैं जैसे कि युधिष्ठिर तो आपने अपने आप ही वो बात कह दी जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है थैंक यू वेरी मच फॉर एलिटिंग माई यू नो माई माई बेस लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यू uh, नो you know, धर्म धर्म का जो है अर्थ का है थोड़ा तो हमने भी पढ़ा लिखा है उसमें जानता हूँ लेकिन वो कहते हैं कि हम वशीभूत हो जाते हैं जिस तरह से हमें पढ़ाया जाता है यू so, नो you know, उस इस हिसाब से हम लोग उस चीज के विक्टिम हो गए हैं हम सारे के सारे विक्टिम हो गए और आज का भारतीय जो है आज का जो नवयुवक है वो जानना चाहता है तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आपने इस पे शोध किया है आप सोर्स, कोर्स कर रही हैं। कि है, है उनकी बात से चर्चा हुई थी रामल्ला की स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम तो मैंने कहा था कि ये जो स्थापना हो रही है प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है राम जी की प्राण प्रतिष्ठा भारत की प्राण प्रतिष्ठा का You know, जा रहा है उसमें भारत की प्राण प्रतिष्ठा उपज रही है फिर से उसका योगदान हुआ है उसमें चलिए आगे बढ़ते हैं इस बात को पूछते हुए कि किसवीं सदी में हम जानते हैं सेक्युलरिज्म एक टोकन सा एक स्लोगन है यू नो अगर आपने अपने धर्म के बारे में कुछ कहा तो लोग कहें यू आर नॉन सेक्युलर लेकिन बाकी लोग जो कहते हैं हम इब्राहमिक वर्ल्ड में रह रहे हैं बाकी लोग कहते हैं कि उनका ही धर्म माई वे और हाईवे ये ये मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं ये सारी दुनिया जानती है इस समय में भारतीयों को हिंदुओं को खास करके जो हम त्रस्त हैं क्योंकि हम सबसे ज्यादा हमें एक सेनेटर ने यहाँ कहा था कि यू आर द मोस्ट फेवर्ड मोस्ट लाइक्ड इमिग्रेंट कम्युनिटी बिकॉज ऑल दिस थिंग्स आई विल नॉट से मोर

मैं तो कह पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी विभूति जी कि हमको अपने अंदर से ज्ञान भी लाना होगा और ताकत भी लानी होगी और अपने आप को एक बिना डिफेंसिव हुए एक बहुत ही सम तरीके से प्रेजेंट करने का मुझे तो लगता है एक ही तरीका है वो है ज्ञान प्राप्ति अगर आपको पता है कि आपका देश या आपकी संस्कृति या आप क्या है तो फिर डिफेंसिव होने का सवाल ही नहीं उठता है ये हमारी इग्नोरेंस है जिसके कारण हम डर जाते हैं किसी ने ऐसे फेंका हिंदुत्व यू आर हिंदू तो हमें समझ ही नहीं आता है कि हम क्या बोले हिंदू क्या है कौन है हिंदुत्व का क्या मतलब है क्या उसका मतलब है कि हम बिल्कुल खून के प्यासे और दूसरे धर्मों का उल्लंघन और दूसरे धर्म के लोगों का सर काटने के लिए है तो ऐसा ही एक अचानक डर आ जाता है क्योंकि पता नहीं है क्योंकि पता नहीं है अगर को, कोई किसी को आज ये कहा जाए कि अरे अरे तुम तो राम राज्य की बातें कर रहे हो ये तो बहुत ही रिग्रेसिव और पुराने जमाने मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशल जस्टिस मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स ऑफ इक्विटी उनमें वो कहीं आगे है ये मॉडर्न नेशन स्टेट से मैं तो इसलिए कहना चाहूंगी हर उस आप ज्ञान प्राप्त करें पहले पहले आप पढ़े लिखे जाने और जब आप पढ़ लिख और जान लेंगे तो आपके पास वो ताकत अपने आप ही आ जाएगी और ये हिंदुत्व वगैरह जो एक अटैक्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है विभूति जी मुझे तो ये बहुत ही क्लियर लगता है कि ये एक राइजिंग इंडिया से डरने वाले राइजिंग इंडिया से एप्रिहेंसिव होने वाले लोगों का है और इसमें अनफॉर्चुनेटली ये भी बात है कि हिंदू धर्म या हिंदू संस्कृति एक बिल्कुल अलग है एब्रामाइक संस्कृतियों से ना वो कैथोलिक है ना प्रोटेस्टेंट है ना इस्लामिक है ना जुइस है एंड ये जुइस तो छोड़ दीजिए बट ये तीनों सबसे बड़े रिलीजन हैं चारों तरफ दुनिया में अब एक ऐसा देश ऊपर आ रहा है जिसको ये अपने एब्रमाइक लेंस से समझ ही नहीं पाते हैं और जब नहीं समझ पाते हैं तो कभी डरते हैं कभी उसको नीचा दिखाना चाहते हैं कभी उसको कहना चाहते हैं कि तुम तो अच्छे नहीं हो और आपको ध्यान ही होगा कि क्रिश्चियन सारे नॉन क्रिश्चियंस को पेगन समझते हैं और हीन दृष्टि से देखते हैं इस्लामिक जो है वो काफिर समझते हैं और हीन दृष्टि से देखते हैं खासियत है हिंदू धर्म की कि हम किसी को ना कभी काफिर समझते हैं किसी को ना कभी पेगन समझते हैं ना कभी किसी को हेय दृष्टि से देखते हैं और यही कारण है कि जो राम राज्य है जिसमें इस तरह के एथिक्स और इथोस है वो हमेशा सेक्युलरिज्म से ज्यादा अच्छा है क्योंकि उसमें टॉलरेंस नहीं है टॉलरेंस तो अपने आप में एक नेगेटिव शब्द है आप मुझे अच्छे नहीं लगते लेकिन मैं आपको टॉलरेट कर लूंगी ये कोई अच्छा शब्द तो नहीं हुआ इसका मतलब है कि आप मुझे पसंद नहीं आते हैं लेकिन चलो भाई अब क्या करें अब आपसे बात करनी है तो कर ही लिए तो ये तो टॉलरेंस हिंदू टॉलरेट नहीं करते हैं हम सब एक साथ रहते हैं वो वसुधैव कुटुंब कम बोलिए या धर्म अर्थ काम बोलिए या पंथ संप्रदाय से कोई मतलब नहीं रखने वाला धर्म बोलिए तो हम टॉलरेट नहीं करते हैं हम प्यार करते हैं और हम सबको अपने जैसा ही समझते हैं और हिंदुत्व के बारे में तो अगर कोई कहता है कि हिंदुत्व हिंसक या फैसिस्ट या कुछ भी है तो हिंदू धर्म की तो का तो निचोड़ ही है सबके साथ रहना

एक्सेप्टेंस एंड रेस्पेक्ट जो आपने और भी खुशी कि मैंने जैसे श्री भगवान राम के बारे में जो हमने कहा है कि राम जी जब वनवास गए थे धोती पहन के निकले थे बाहर लेकिन अस्त्र शस्त्र लेके गए थे धनुषवान लेके गए थे ये हमारी ये हमारी परिभाषा है कि प्रोटेक्ट एंड डिफेंड जो करना है अपने आप को अपने धर्म को अपने आप को और अपने समुदाय को जो हमारे साथ और विभूति जी उनकी पत्नी सीता माता ने उनसे ये सवाल भी पूछा था सीता माता तो, ने उनसे सवाल भी पूछा था कि आप क्यों लेकर चल रहे हैं ये सारे अस्त्र शस्त्र और उन्होंने वही जवाब दिया था जो आप कह रहे हैं क्योंकि शक्ति का काम है सबकी रक्षा करना इसलिए अस्त्र शस्त्र जरूरी है और हम भारतीय इस चीज को भूल गए अहिंसा परमो धर्म धर्मो रक्षति रक्षता भूल गए <laughs> चलिए आपसे एक और बात करूंगा मैं इसके कि आपने कहा हुआ है कि वुमेन के बारे में हैं हिंदू ट्रेडिशन में तो ये मिसकंसेप्शन आप वेस्टर्न एंगल से कह रही हैं या भारतीयों में कह रही हैं क्योंकि मेरे विचार में मुझे कोई मिसकंसेप्शन नहीं है अबाउट द रोल ऑफ वुमेन इन इन आवर लाइफ In 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 our society, in our community, in our society, community, country, I have no confusion. So tell me why do you तो, feel that, and what needs to be done about it? जो एक एवरेज आप मान लीजिए मैं आ, दो बातें कहूंगी पहली बात ये भारतीयों में भी है ये मिसकंसेप्शन। और दूसरी बात कि जो बाहर है जो भारतीय नहीं है उनमें भी है ये और मैं तो चाहती हूं कि मैं दोनों लोगों को दोनों को बताऊं और दोनों का मूल कारण एक ही है क्योंकि हमने जो समझा है स्त्री शक्ति भारत की वो हमने देखा है पाश्चात्य आंखों से तो हम अपने आप को अब वही समझने लगे हैं जो दूसरे लोग हमें देखकर समझते हैं अपनी आंखें हमने बंद कर ली हैं और दूसरों की आंखें ले ली हैं इसी कारण से भारतीयों में भी और भारत के बाहर भी ये सारे है। और विभूति जी ये मुझे एक बहुत ही मतलब इस खतरनाक लगता है कि अगर आप कोई 25 30 20 साल की लड़की या स्त्री भारतीय से बात करिए भारत में तो आपको वही सारी चीजें सुनने ऑडियो गड़बड़ हो गया जो आप उसको रिपीट करें आपका ऑडियो गड़बड़ हो गया था भारत के बारे में भारतीय नारी के बारे में उसी तरह के मिसकंसेप्शंस आपको इंडिया में भी मिलेंगे तो इसका कारण वही है जो हमने पहले कहा भारत के लोग भारत के एकेडमिक्स बहुत ज्यादा हैं है ये बाहर के लोग हमारे बारे में क्या कह रहे हैं तो एक कुछ कहानियां चलती हैं कि भारतीय नारी स्त्री जो है उसको एक समता का दर्जा उसको जो एक इक्वालिटी जिसको कहते हैं वो कभी नहीं मिली आज भी नहीं मिली है उसको हमेशा पुरुष से हीन और पुरुष के कंट्रोल में माना गया है और बड़ी फेमस है वो मनुस्मृति से आपको कुछ कोट करके सुना देंगे कि ये देखिए यही सोचते थे महिलाओं के बारे में ये एक अलग बात है और एक-एक अलग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग न संस्कृत समझते हैं ना जानते हैं न किताबों को पढ़ते हैं और बहुत सारी चीजें सेकेंडरी और टर्शरी सोर्सेस से कॉपी कर करके बोलते रहते हैं अगर आप वेंडी डोनेगर को कोट करेंगे तो वेंडी डोनेगर को तो खुद ही संस्कृत नहीं आती है तो उसने कब पढ़ा मनुस्मृति संस्कृत में लेकिन आप या जिन लोगों को भरोसा है कि नहीं ये तो एक वेस्टर्न अकेडमिशियन है तो इसने तो सही ही कहा होगा और मेरा इस तरह का बहुत बहुत इस तरह का फीडबैक लोगों से आता है कि नहीं नहीं वो तो सही कह रही होंगी वो गलत क्यों कहेंगी गलत कहने के बहुत सारे कारण है और एक बड़ा कारण ये है कि उनकी दृष्टि ही ऐसी है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन यहाँ है और इंडियन सिविलाइजेशन कहीं कुछ बहुत पीछे है तो उसमें तो सभी चीजें अच्छी हो ही नहीं सकती हैं और स्त्रियों को तो सही जगह देना तो किसी भी पुराने ऐतिहासिक सिविलाइजेशन में हुआ ही नहीं है तो भारत में भी नहीं है, तो, हाँ, तो कुछ है। इस बात के लिए भारतीयों में और भारत के बाहर के लोगों में सबको जानना जरूरी है हाँ। कि किस तरह से हमको महिला शक्ति या स्त्री शक्ति को खुद ही समझना चाहिए लेकिन इस पर इस पर वेस्टर्न अकेडमिशंस ने इतना ज्यादा कुछ लिखा हुआ है ना दो तीन सौ चार सौ सालों से कि उसको पहले आ, हटाना रास्ते से बहुत ही बड़ा काम है मैं खुद ही मैं इस वक्त इस पर एक किताब लिख रही हूँ और उसमें मैं एक सिस्टम और मॉडल बनाना चाहती हूँ कि किस तरह से आप देखें नारी स्त्री शक्ति या स्त्रियों को भारतीय संस्कृति के कॉन्टेक्स्ट में आप किस तरह से देखें तो किस तरह से देखा गया है बहुत कोई मार्क्सिस्ट एंगल यूज करता है एनालिसिस के लिए जो हम एक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है पुरुष है स्त्री है दोनों में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट है पुरुष स्त्री को हमेशा शोषण करते हैं ये एक मार्क्सिस्ट Feminist, है। फिर बहुत सारे और कुछ लोग हैं जो आपको हिस्ट्री में जाकर बोलेंगे अरे देखिए आपके यहाँ बहुत सारी इस तरह की भ्रांतियां हैं और इन भ्रांतियों को तोड़ने के लिए शोध करके लिख कर बोलकर सब कुछ करने की बहुत जरूरत है मेरा अपना मैं तो आप अगर मुझे पूछेंगे कि स्त्री के बारे में क्या सोचना है हिंदू संस्कृति का वेदिक संस्कृति का तो मैं तो वापस ऋग्वेद ऋग्वेद चली जाऊंगी के मंडल में एक सौ है देवी सूक्तम इस देवी सूक्तम को एक स्त्री ने कंपोज किया जिसका नाम है वाक आम वाक आम अपने आप को उस सूक्त में देवी सूक्त में कॉस्मोस का क्रिएटर समझती है है ये की पुत्री है। आ, आपकी वीडियो आपकी वीडियो फ्रीज हो गई थी तो आपने जो कहा ना कि ऋग्वेद के 125वें सदी में क्या बोला था फिर से रिपीट करिए जरा उसको क्योंकि तो वो सुनना जरूरी है लोगों को तो हाँ, तो अगर हम ये जानना चाहते हैं अगर हम ये जानना चाहते हैं प्राचीनतम सबसे प्राचीनतम क्या है सोच स्त्री के बारे में तो ये जानने में रुचि होगी कि जो ऋग्वेद के दृष्टा है जो ऋग्वेद को कंपोज करने वाले हैं उनमें बहुत सारी ऋषिकाएं भी हैं केवल ऋषि नहीं है ऋषिकाएं भी हैं इन जिसमें सूक्त में जिसका नाम है देवी सूक्ता नामक स्त्री ने इसका इसको कंपोज किया है ये आमभ्रिण ऋषि की एक आ, की बेटी है ऋषि यंग गर्ल और उन्होंने जिस तरह से आप एक आदि शंकराचार्य का अद्वैतिक इमेजिनेशन समझते हैं या अद्वैत भी समझते हैं उस समय ऋग्वेद लिखते समय अपने आप को और कॉस्मोस के क्रिएटर को एक समझा है तो कॉस्मोस को ये समझ लीजिए कि स्त्री के रूप में कॉस्मोस की क्रिएटर और सारे देवी देवताओं की समझ लीजिए लीडर और सब कुछ सारे कॉस्मोस उसके अंदर ही निहित है ऐसा है देवी सूक्तम में और उसमें एक छोटा सा एक छोटा सा फ्रेज है जो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है अहम स्वयं मैं मैं वा ये कहती हूं तो आप समझिए क्या कॉन्फिडेंस है क्या अंडरस्टैंडिंग है क्या पोजीशन होगी उसकी कितना ज्ञान होगा कितना उसने सीखा होगा कि उसने उन्होंने कुछ कंपोज किया जो आज तक हम हजारों साल बाद पढ़ते हैं और ऐसी अनेक ऋषिकाएं हैं उसके बाद अगर आप ऋग्वेद की खिलानी में चले जाइए तो एक श्री सूक्तम है और ये श्री सूक्तम है जिसको मैं सोचती हूँ कि जितने हमारे यहाँ शक्ति और देवी वर्षिप होती है उन सब के का मूल उसी में है या दुर्गा या सरस्वती या लक्ष्मी जितनी देवियों का हम आज की हम आज पूजा करते हैं और इन देवियों के अंदर इतनी शक्ति है यही देवियां हैं जो सारे समाज सारे देश सारे क्रिएशन को दे रन ऑल ऑफ क्रिएशन आप अगर फिर चले जाइए मार्कंडे पुराण में मार्कंडे पुराण में देवी उसमें भी उस उसमें भी उसमें तो देवी खुद युद्ध करती हैं और अगर आप उसके एक एक श्लोक को पढ़िए तो देवी अपने हाथों से युद्ध करती हैं अस्त्र शस्त्र हाथों से घुसा भी मारती हैं तो ये जिस तरह का शक्ति कंपैशन एबिलिटी टू गिव एवरीथिंग दैट इज नीडेड ये है एक इमेजिनेशन स्त्री के बारे में देश को भी पूरे देश को पूरे संस्कृति को स्त्री की तरह ही देखा गया है आपको सती की कहानी तो मालूम ही होगी जब शिव जी ने उनका शव लिया और शव लेकर घूम रहे थे और बिल्कुल व्यथा में थे और विष्णु जी ने सती की के शरीर को इक्यावन भागों में काटा और वो सारे हमारा जो देश है उसके एक एक भाग में चले गए तो इसका मतलब क्या है सती का शरीर ही हमारा देश है स्त्री के शरीर के स्त्री के रूप में हमने अपने देश को देखा है इसीलिए हम उसको भारत माता कहते हैं मैं खैर इस इन बातों में अगर चले जाए विभूति जी तो शायद परसों तक यही बैठे रहेंगे <laughs> क्योंकि ये तो मैं पढ़ती ही रहती, इस, रहती हूँ, लेकिन सुनने वालों के लिए जरूर कहूंगी कि इस पर मैं बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके आज और ये जैसे आपने सही कहा कि जिस तरह से आपने शोध किया है जिस तरह से आपने सारा ज्ञान अर्जित किया है और जिस तरह से आप उसको शेयर कर रही हैं पब्लिक से दिस इज आपको अपलॉड करता हूं और मैं लोग दर्शकों से ये कहूंगा कि जब आप ऐसी चर्चाएं सुनते हैं तो आप सोचे कि आपको करना क्या है आज वो सूत्र पढ़िए जाके देखिए बहुत जरूरी है हमें अपने आप को तो अगर आपको अगर अपने बारे में युद्ध करना है अपने बारे में बताना होगा तो जानना पड़ेगा ना कि हम कौन है अगर नहीं जानेंगे तो हम हमेशा अपने आप को डिफेंसिव में डील करते रहेंगे कि हम अपोलॉजी बन जाए अपोलॉजिस्ट बन जाते हैं वो हम ऐसे नहीं है तो एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको मुझसे किसी ने पूछा यहाँ पे तुम लोग गाय क्यों नहीं खाते हो वाई डोंट यू इट बीफ

एक बात कहना चाहती हूँ यहाँ पे आपने ये टॉपिक उठाया तो तो मैं एक पॉडकास्ट भी करती हूँ जिसका नाम है वाक इंडियन हिस्ट्री पॉडकास्ट अगले वाले में मैं ये पर उसका उसका इतिहास और उसका जो सारा कच्चा चिट्ठा है वो मैंने खोला है तो okay. अगर सुनने वालों को इंटरेस्ट है तो वाक इंडियन पॉडकास्ट का सैटरडे का वर्जन जरूर यू and learning from you and i hope the viewers have learned and listened to the whole thing with the intent which our purpose is not to give a talk and get out of it our purpose is that you understand what is going on against us and what is the only way to contest that is to know and that's very important with these words and with the, with the hope that you will come back again we will definitely talk more about subject matter the sociology of wokism and next time i want to talk to you about the origin of dei because i jokingly sometimes say dei by itself there are three great words but dei in its present form must die <laughs> in its present form must die yes absolutely and i hope i hope we are contributing to its demise <laughs> i want right. to contribute

जय श्री राम सत्यमेवय जयते धन्यवाद जय श्री